काठमांडू सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेंद्र खनाल ले कोविड-19 उपचारार्थ नेपाल पीएफ अस्पताल परिसर में निर्माण संपन्न भई को आईसीयू भवन रो मोलिकुलर लैब को उद्घाटन करेका छन। कोविड को उपचार को लागी तीव्र गति में निर्माण भई को 20 शैया को आईसीयू भवन रो मोलिकुलर लैब को आज बुधवार सावन 21 गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल ले उद्घाटन करेका हुन। उनले त्यस अवसरमा नागरिकलाई महामारी को बेला प्रदान कर्नुपने सेवा र सुरक्षा को साथे अति नै महत्वपूर्ण रहे को स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता राखी अहोरात्र बिरामी को सेवा मा क्रियाशील रहन सो अस्पताल का चिकित्सकहरूलाई निर्देशन दिए। उनले नेपाल सरकार बात सो अस्पताल लाई कोविड-19 रोकथाम तथा उपचार मा डेडिकेटेड अस्पताल को जिम्मेवारी सुम्पिए को मा उक्त जिम्मेवारी निर्वाह का लागी थप भय का सेवा सुविधा को अधिकतम उपयोग गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर नेपाल एपीएफ अस्पताल सधैं प्रतिबद्ध रहने उल्लेख करें। सो अस्पताल लाई महामारी को बेला मात्र न भई अरु बेला समेत सेवामुखी बनाउंदे लिगीने चर्चा गर्नु हुंदे सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल ले कोविड-19 महामारी मा रोग को उपचार परीक्षण तथा रोकथाम मा सो निर्माण ले थप टेवा पुर्याओं ने विश्वास व्यक्त करें। कार्यक्रम मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का प्रमुख विशेषज्ञ तथा कोविड-19 यूनिफाइड अस्पताल निर्देशन समिति का अध्यक्ष डा रोशन पोखरेले यस कोविड-19 महामारी को बेला रोग को पहचान तथा शीघ्र उपचार मा सहयोग पुगोस भने उद्देश्य का साथ नेपाल पीएफ अस्पताल मा आईसीयू भवन र मोलिकुलर ल्याब को स्थापना गरिए को बताए। नेपाल पीएफ अस्पताल का प्रमुख प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा रूपक महर्जन ले स्वागत मंतव्य को क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बाट विभिन्न मितिमा प्राप्त बजेट तथा नेपाल पीएफ अस्पताल को नियमित बजेट बोट सो निर्माण संपन्न भय को जानकारी गराए। प्रकाशित सावन 21 2077।